हे गाइस, वेलकम बैक टू कोड माइक्रो। तो आज की स्टूडियो में बात करेंगे कि आप जैसे ही फॉर्म या फिर लॉगिन फिलअप करते हैं तो आपने देखा होगा वेबसाइट्स में कि जब हम पासवर्ड एंटर करते हैं तो यहाँ पे साइड में एक टॉगल बटन आता है, उसको दबाते हैं तो पासवर्ड शो हो जाता है। लेकिन इसका ड्रॉबैक सबसे ज़्यादा ये है कि अगर आप बाहर यहाँ पे बाहर क्लिक करते हैं फॉर्म से बाहर, लॉगिन फॉर्म से बाहर, तो दोबारा जाते हैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करते हैं तो यहाँ पे शो नहीं करता। तो एज ए डेवलपर आपको पता होना चाहिए ये कैसे होता है, इसका बैक पीछे का कोड क्या है, उसी पे हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी तरीके। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों, अगर आपने इसको रिटर्न फॉर्म में चाहिए, रिटर्न फॉर्म में पढ़ना चाहते हो, तो यहाँ वेबसाइट में मैंने डाली हुई है कोड माइक्रो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फॉलो भी कर सकते हो आप हमें। पूरा यहाँ पे टोटल मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है इन इंग्लिश, अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आती है। तो अब चलते सीधा कोड पे। यहाँ पे मैंने कहूँगा कि एक नया ऐप बना, एक नया प्रोजेक्ट बना लो, उस पर कर लो। मैं सिंपल सिंपल मैंने बना के रखा हूँ यहाँ पे, सिंपल आपको बताऊँगा समझाऊँगा, क्योंकि करने बैठूंगा तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा, वीडियो वेस्ट हो जाएगी, वीडियो बोरिंग हो जाएगी, तो मैं वो करना नहीं चाहता। एक बार बोरिंग होगी तो मज़ा नहीं आएगा। सबसे पहले तो सिंपल ये फंक्शन बनी हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये तो अभी देखो ही मत, यहाँ पे मैंने सीधा रिटर्न में एक डिव ले लिया, वहाँ पे एक इनपुट टाइप कर दिया और एक मैंने बटन लिया, सिंपल बटन ले लिया। अब यहाँ पे टाइप इसकी क्या है, पासवर्ड है, क्योंकि हमने पासवर्ड एंटर करना है। तो वहाँ पे आपने देखा होगा जब भी आप सीधा पासवर्ड एंटर करते हो तो वहाँ पे एक डॉट डॉट बना हुआ आ जाता है, जैसे कि इसमें बना हुआ आ रहा है जब भी करते हैं, क्योंकि इसकी टाइप क्या है, पासवर्ड है। अगर इसकी टाइप हम टेक्स्ट कर देते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पे अगर टेक्स्ट करते हैं, क्योंकि इसका काम ही यही है, ये कर दिया मैंने। अब बटन का काम क्या है कि इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया, वो चीज़ करेगा हमारा ये वाला। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हमने यहाँ पे वो कंडीशन लगा दी है कि जो पासवर्ड होना, अब यहाँ पे पासवर्ड होना क्या है, क्योंकि बंदा जब कुछ भी इनपुट करेगा तो इनपुट पे ही हमने करना है कि उस चीज़ को क्या करना है क्या नहीं करना। वो चीज़ हमारी किस पे होगी, स्टेट से होगी। स्टेट के अंदर क्या होगा, हमारा सोन पासवर्ड हमने यूज़ किया है, सोन पासवर्ड वेरिएबल, और उस वेरिएबल को सोन पासवर्ड मतलब कि यहाँ पे पासवर्ड शो करना है कि नहीं करना। सिंपल मैंने नाम दिया है कि फॉल्स कर दिया, मतलब चाहे लगा लो कि ए, ये लगा लो कि यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ए फॉल्स है, मतलब कि ए में अभी जो कुछ भी हो वो अभी फॉल्स है, कि कुछ नहीं करना वहाँ पे, जो पहले से डिफ़ॉल्ट है वही करना है। तो मैंने वो डिफ़ॉल्ट वाले यहाँ पे डाला हुआ है। अगर उस डिफ़ॉल्ट को हमने चेंज करना है, इसका काम क्या है ये चीज़, इस कंडीशन आपकी टेक्स्ट है या फिर पासवर्ड है, सबसे यहाँ पे पासवर्ड ही चलेगा। अगर यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी चेंज होती है तो यहाँ पे ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप थोड़ा कन्फ्यूज हो रहे होंगे डेफिनेटली। यहाँ पे बटन पे मैंने ऑन क्लिक कर दिया, यहाँ पे एक फंक्शन चला दिया। अब फंक्शन में क्योंकि बटन के क्लिक पे हमने शो कराना होता है, अब जो टेक्स्ट पासवर्ड शोन है, अब मैंने चेंज यहाँ पे करना है पासवर्ड शोन। अब पासवर्ड शोन में क्या हो रहा है, पासवर्ड शोन में ये हो रहा है कि जो हमारा पहले का जो पासवर्ड है वो हमारी ये चीज़ लगी हुई है, यानी कि जो टाइप इसकी आई हुई है एज अ डिफ़ॉल्ट, वो हमारी पासवर्ड आ गई हुई है। अब मैंने इसको चेंज करना है, जब चेंज करेंगे तो क्या होगा, अब ये चेंज मतलब ये नहीं कि चेंज दो तरीके से होगी, या तो हम टेक्स्ट डालेंगे कोई, या फिर हमें बुलियन वैल्यू डालेंगे, कि बुलियन या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, क्वेश्चन या तो ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है। तो यहाँ पे ये लगा लो कि जो पासवर्ड शो है, पासवर्ड शो करना है कि नहीं करना। मैंने एक तो नाम ऐसे दिया कि पासवर्ड शो है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, ए दे दो कि ए फॉल्स है शुरू में, यहाँ पे फॉल्स कर दिया मैंने डिफॉल्ट वैल्यू। अब यहाँ पे मैंने बटन बना दिया, बटन के अंदर फंक्शन चला दिया, फंक्शन काम किया कि ये फॉल्स को ट्रू कर देगा। जब ये ट्रू हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो ये पासवर्ड नहीं रहेगा यहाँ पे, टाइप पासवर्ड नहीं, यहाँ पे टेक्स्ट हो जाएगी। इसका काम सिंपल ये है, यहाँ पे सेट पासवर्ड कर दिया, सेट पासवर्ड में हमने लगा दिया कि नॉट इक्वल टू सोन, यानी कि जो भी इसमें वैल्यू होगी यानी फॉल्स है, तो यहाँ पे नोट कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये ट्रू हो गई। जब यहाँ पे ट्रू चली गई तो इसने यहाँ पे पासवर्ड छोड़ के ये टेक्स्ट में आ गया, इसने टेक्स्ट पर लिया, तो इसकी टाइप हो गई हमारी टेक्स्ट हो गई है। अब इसके बाद जब शुरू में दोबारा बटन दबा दे तो यहाँ पे क्या बना हुआ है, ट्रू हो गया था। अब दोबारा यहाँ पे ये नोट लगा हुआ है, तो यहाँ पे ट्रू की जगह फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो गया तो वापस चला जाएगा, तो यहाँ पे टेक्स्ट देगा ये हो जाएगा, क्योंकि फॉल्स है ये सेट वाला, तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा तो ये पासवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे चलते हैं, तो ये देख सकते हैं आप, ये सिर्फ टाइप चेंज कर रहा है, पीछे का लॉजिक यही है, टाइप चेंज कर रहा है। इसको यहाँ पे लगाना है, आपने डिप बना के इसके साथ लगाना है शो करने के, तो कर सकते हो यहाँ पे डिप, मैंने आपको पीछे का लॉजिक बना दी बता दिया। आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, आपके पास कुछ भी क्वेश्चन है तो यहाँ पे ये कमेंट जो फॉर्म है यहाँ पे फिल करके हमें सेंड कर सकते हो, यहाँ पे पूरा का पूरा पढ़ सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।